हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जस्ट 9 का ट्रेलर देखा होगा एंड आई होप इट वाज अ वंडरफुल ट्रेलर एंड मजा आ गया होगा यार। मुझे तो बहुत मजा आया मैम ये ट्रेलर देख के। आप लोगों को कैसा लगा मैम, आप बताएं कैसा लगा ट्रेलर? अरे ट्रेलर तो सच में बहुत अमेजिंग था सर, मुझे पक्का पता है बच्चों को बहुत ही मजा आया होगा ट्रेलर देख के, सीरियसली। चलिए तो हम मैम आपसे जानना चाहते हैं, सबसे पहली चीज जो है ट्रेलर देखने के बाद वो बहुत क्यूरियोसिटी अंदर से बिल्ड हो गई कि अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है। ठीक है, हम सब उसका वेट कर रहे हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि अब क्या होगा फ्यूचर में। बट सबसे पहले मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो जस्ट 9th हमारा नया चैनल आ रहा है, इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से एडुकेटर्स है मैम, आप इसके बारे में हमें बताएं। बच्चों जस्ट 9th में आपको इंडिया के बहुत ही बढ़िया एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं। तो फिजिक्स पढ़ाएंगे हमें आथर सर, उसके बाद केमिस्ट्री लेंगे अंकित सर, शुभम मैम आपकी प्यारी शुभम मैम पढ़ाएंगी आपको सोशल साइंस, एंड मैं और प्रणय सर आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स। आई होप यू ऑल गाइज आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू टेक ऑन दिस चैनल। मैम मैं तो बहुत जल्दी से बस वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही जस्ट 9th है, मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो सुपर टीम है जब ये एक साथ पढ़ाएगी तो बहुत ही जबरदस्त मजा आने वाला है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट विल बी अ रिवॉल्यूशन जिसमें हमें जो है 9th के टॉप एडुकेटर्स इंडिया के यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, हम ये चीज समझे मैम, हम आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे मैम, आप ये बताएं कि हाउ दिस आइडिया केम दैट व्हाई जस्ट 9th, अनअकैडमी जस्ट 9th के साथ कैसे आया, ये बताएं। सर जस्ट 9th का कॉन्सेप्ट देखो बहुत ही नया है, बिकॉज आप कहीं भी देख लो हर जगह 10th के बच्चों पे ज्यादा फोकस किया जाता है, 9th के बच्चों को हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है। तो जस्ट 9th का फंडा तो यही है कि अब हम 9th के बच्चों को भी फुल ऑन कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाएं, अच्छे से पढ़ाएं, वो भी अच्छा कर सके। बेसिकली हमें भी पता है कि 9th इज द फाउंडेशन फॉर 10th। अगर आप कोई भी चैप्टर उठा लो, मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, कोई भी चैप्टर उठा लो, आप फर्स्ट चैप्टर उठा लो, 9th में बच्चा पढ़ता है रियल नंबर्स, 10th में उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेगा, 9th में पढ़ेगा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का कॉन्सेप्ट, 10th में कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स आएंगे। तो अगर उसका 9th ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो 10th में हाउ ही और शी कैन परफॉर्म वेल, राइट? सो इट्स अ फाउंडेशन। तो फंडा यही है यार कि 9th के बच्चों का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है ताकि वो 10th में स्मूथली ट्रांजिट कर सके। सो यस, बहुत बहुत सही चीज बताई आपने, ये चीज हमने फील करी है मैम, पहले भी पास में फील करी है कि एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे हम 9th में आते हैं तो बहुत बड़ा चेंज वो जो महसूस होता है। ठीक है, बच्चा उसके अंदर क्या होता है ना, एकदम से कंफ्यूज हो जाता है कभी कभार, वो सोचता है कि क्या हो गया, इतनी सारी पढ़ाई कैसे बढ़ गई। ठीक है, तो उसको एक प्रॉपर मेंटर चाहिए, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू उसे आगे बढ़ना चाहिए। चलिए मैम इसी सिलसिले में और बात करते हैं, आप थोड़ा हमें इस तरह से बताइए, जैसे मैं देखता हूँ कि 10th में बोर्ड का बच्चे को प्रेशर आता है, 12th में आता है, तो सब लोग उसकी 10th एंड 12th में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, बट अनअकैडमी इज कमिंग विद दिस इंडिपेंडेंट चैनल 9th, तो ये इंडिपेंडेंट चैनल जो है 9th का, इसकी कुछ खासियत हमें बताइए कि क्या खासियत रहने वाली है इंडिपेंडेंस इसकी। इंडिपेंडेंस सर एज इन की अगर बच्चा इस चैनल पे आ रहा है ना, तो उसको इस चैनल पे आके हर सब्जेक्ट का टीचर बड़ा ही डिटेल में पढ़ाएगा, उसको किसी और चैनल पे किसी डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए किसी और चैनल पे ट्रांजिट होने की जरूरत ही नहीं है। वो यहाँ पे आएगा, उसको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, यहाँ पे वो अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ेगा। इवन दिस चैनल इज ऑल्सो, मैं बोलूंगी कि 8th के बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया है, जैसे बहुत बच्चे क्यूरियस बच्चे होते हैं, है ना, तो 8th के बच्चों को भी ये चैनल कैटर करेगा। कैसे? अगर 8th में बच्चा कोई कह रहा है कि मुझे ये चैप्टर छोटू सा था, तो ये तो कुछ भी नहीं था मैम, तो उसको अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वो हमारे चैनल पे आके पढ़ सकता है ना, वो अपने जो अपना चीज है उस चैनल उस सब्जेक्ट को और एक्सप्लोर कर सकता है यहाँ पर आके। सो ये 8th के बच्चों के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल हो जाएगा जैसे कि 9th के बच्चों के लिए। तो दैट इज इट सर, तो इंडिपेंडेंस का यही है कि सब कुछ यहीं पे मिलेगा इंडिपेंडेंटली बच्चे को।
तो मैम हम कह सकते हैं कि एक तरह का रिवोल्यूशन है जहां पर हम नाइन्थ इंडिपेंडेंटली नाइन्थ के बारे में यहां चर्चा कर रहे हैं, जो लोग बहुत आसानी से स्किप कर देते हैं, टेंथ एंड ट्वेल्थ के पीछे ही भागते हैं, वो ये चीज भूल जाते हैं कि नाइन्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। हम उन लोग की हेल्प करने के लिए यहाँ पर अनअकैडमी पे आ गए हैं जस्ट नाइन्थ चैनल के साथ। मैम एक चीज और बताइए, जैसे हम देखते हैं कि बच्चे के ऐसे कहा जाता है कि उसे अर्ली स्टार्ट लेना चाहिए, तो हाउ अर्ली स्टार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हमसे आप थोड़ा जो है डिस्कशन करिए बताइए। एंड इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अर्ली स्टार्ट किस क्लास से लेना ज्यादा फायदेमंद होता है, थोड़ा अर्ली स्टार्ट पर हम चर्चा करते हैं। ओके, तो अर्ली स्टार्ट एज इन हमें पता है कि जैसे ये नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ यही चार क्लासेस हैं जो बहुत ही बच्चे की क्रूशियल होती हैं, दीज आर द करियर मेकिंग क्लासेस, राइट। तो अर्ली स्टार्ट एज इन कि अगर बच्चा एट से सोचना स्टार्ट कर दे, है ना, एट से जब वो नाइन्थ में ट्रांजिट कर रहा है, नाइन्थ में वो थोड़ा थोड़ा सोचना स्टार्ट कर दे, सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दे कि मेरा किस में इंटरेस्ट बन रहा है किस में नहीं बन रहा। इनफैक्ट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तो अर्ली स्टार्ट में वो भी हेल्प करेगा कि बच्चा अगर स्टार्ट कर रहा है एट से सोचना स्टार्ट कर रहा है कि हाँ यार मुझे एनटीएससी का एग्जाम देना है टेंथ क्लास में जाके, तो बच्चे क्या करते हैं एट नाइन्थ से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं बिकॉज नाइन्थ और टेंथ का सिलेबस कवर करता है वो एग्जाम, राइट। तो अर्ली स्टार्ट में ये चीज भी आ जाएगी। अब आपको एनटीएससी के बारे में ज्यादा पता है, आप बच्चों को ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हो, राइट, कि नाइन्थ कितना इंपॉर्टेंट है एनटीएससी को आदमी अच्छा स्कोर करने के लिए। एक क्वेश्चन इस पे ऐड करते हैं, आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे जितने भी स्टूडेंट व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, कि मैं अगर आपसे मैम एक क्वेश्चन पूछूं कि नाइन्थ एंड टेंथ दो क्लासेस हैं, ठीक है, जनरली बच्चा जब टेंथ में आता है तो उसे लगता है कि अब कुछ करना है, ठीक है। मैम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि नाइन्थ कितना इंपॉर्टेंट है एनटीएससी के लिए, आप ये भी बताएं नाइन्थ कितना इंपॉर्टेंट है। सर नाइन्थ को हम छोड़ नहीं सकते, अगर एनटीएससी की बात करते हो यू कैनॉट लीव नाइन्थ, है ना, तो नाइन्थ भी इक्वली आता है टेंथ भी आता है, तो टेंथ तो बच्चा कर लेता है जोश जोश में, पर फिर वो सोचता है कि यार नाइन्थ में अभी मेरा ये कॉन्सेप्ट रह गया वो रह गया, सर नाइन्थ दोबारा से पढ़ना पड़ेगा या मैम दोबारा से करना पड़ेगा, उसका क्या करें। तो बेसिकली हम उस नाइन्थ को, नाइन्थ के सिलेबस को पीछे छोड़ के नहीं जा सकते, टेंथ में नहीं भाग सकते, तो बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट, दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। सो करेक्ट 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 मैम, बिल्कुल सही, आप कंटिन्यू बताइए मैम इसमें और बताइए। जैसे आपने ये जो चीज बोली ना, मैं इस चीज को बिल्कुल फील कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो बहुत छोटी छोटी जगह से आते हैं एंड पढ़ाई में जो है उनका बहुत इंटरेस्ट होता है, बट वो थोड़ा सा लेट उनको पता चलता है, लेट अवेयरनेस आती है। तो मैंने ऐसे बहुत स्टूडेंट्स देखे जो टेंथ में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके होते हैं एंड इन द एंड जब एनटीएससी क्लोज आ रहा होता है तो वो जो दिवाली का जो माहौल आता है, दिवाली से जस्ट पहले, दशहरा दिवाली से पहले, उनका पहला कंसर्न ये रहता है कि सर मुझे नाइन्थ में डर लग रहा है। तो मैम आपने भी कुछ ऐसी चीज फील करी है क्या कभी बच्चों के मुंह से, सुना है क्या ऐसी बातें? हाँ, मतलब बच्चे अगर एनटीएससी का तो ज्यादा मैंने लिया नहीं है सर, बट अगर टेंथ के बच्चों की भी बात करूँ ना, तो टेंथ को भी पढ़ाने जाओ तो बच्चे मोस्टली ये बोलते हैं मैम ये नाइन्थ में पढ़ा था अब याद नहीं है कि क्या था, ये भूल गए, भूल गए मैम दोबारा से करा दो। तो वो जो चीज है ये बच्चों में होनी नहीं चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि नाइन्थ से ही आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करके ही टेंथ में आइए, है ना। क्योंकि कुछ टीचर्स होते हैं जो कि बोलेंगे कि हाँ बेटा ये तुम नाइन्थ में पढ़ चुके हो तो हम यहाँ से आगे चलेंगे, तो वो बच्चे लैग कर जाते हैं वहां पे, उनको एज नहीं मिल पाता, वो पीछे रह जाते हैं, फिर उनको फिर टेंथ से भी घबराने लगते हैं बिकॉज उनके नाइन्थ के कॉन्सेप्ट्स वीक रह जाते हैं। तो इसलिए हमें नाइन्थ पे फोकस करना, ये इतना मुझे सही इनिशिएटिव लगा है ना, तो बच्चों को इस चैनल से लिटरली बहुत फायदा होने वाला है सर, एंड दिस हैज टू यू नो, ये बहुत ही बड़ी रेवोल्यूशन लेके आएगा फॉर ऑल द नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। तो बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, I just love it. तो ये कभी हुआ नहीं है, तो Unacademy ने इतना बड़ा step लिया, this is really good. सही है, सही है, सही है। तो मैम जैसा मैम ने हमें बताया कि यार ये नाइन्थ वाला जो चैनल है बहुत जबरदस्त आप लोगों के लिए रिवोल्यूशन लेके आने वाला है, तो गाइज मैं पहले ही आपको बोल देता हूँ इस चीज को जब आप सुन रहे हैं, ठीक है, तुरंत हाथों हाथ लाइक होना चाहिए, शेयर होना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए, तो चैनल के सब्सक्राइब को तुरंत बढ़ाते जाओ, बिकॉज जितना आप इसका सब्सक्रिप्शन बढ़ाओगे, ठीक है, आपको और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। तो मैम जैसे आप मुझे बता रहे थे, मेरे दिमाग में भी चीजें चल रही थी, मैं भी सोच रहा था चलो इस पे बच्चों को जो है अपन थोड़ा सा अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं, इस पे बताते हैं कि नाइन्थ एंड इलेवंथ का क्या रिलेशन है एंड टेंथ एंड ट्वेल्थ का क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम नाइन्थ एंड इलेवंथ के रिलेशन की बात करते हैं, मैम बताइए इसके बारे में। जैसे सर होता क्या है कि जब बच्चा टेंथ तो कर लेता है आराम से, मतलब सारे बच्चे, आप मोस्टली बच्चों से पूछो वो बोलेंगे मैम टेंथ इजी है नाइन्थ से,
क्योंकि नाइन्थ को हमने इग्नोर किया होते हैं, है ना? बच्चे यही बोलते हैं कि मैम आपको कट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, टेंथ में तो डर रहता है ना मैम बोर्ड का, कि बोर्ड आएगा अब कुछ करना है, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर दैट, ठीक है? तो नाइन्थ पॉइंट नाइन्थ जो है इसके बारे में आप बताएं। नाइन्थ में सर बच्चों का चिल मोड ऑन होता है कि यार कोई बात नहीं, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, है ना? स्कूल वाले पेपर लेते हैं तो वो होता भी है कि स्कूल वाले पेपर थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट डाल देते हैं, तो नाइन्थ के लिए डर बैठ जाता है। तो टेंथ में जब आते हैं उनको सब कुछ लगता है कि हाँ यार, क्योंकि मेहनत भी ज्यादा करते हैं, टेंशन भी होती है बोर्ड की, एक्चुअली वो प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे होते हैं, उनको फिर वो आसान लगने लगता है। बट द थिंग इज, जब बच्चा टेंथ से इलेवेंथ में ट्रांजिशन करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइंस स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो जिन बच्चों का नाइन्थ वीक रह जाता है ना सर, उनको इलेवेंथ में बहुत परेशानी होती है, बिकॉज इलेवेंथ में जो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं वो नाइन्थ का ब्रॉडर लेवल होता है। तो अगर नाइन्थ रह गया तो इलेवेंथ में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो टेंथ मोस्टली होता है ट्वेल्थ में, तो सिंस टेंथ के बाद इलेवेंथ में बच्चा ज्यादा डरता है, तो एकदम फॉल आता है, डाउनफॉल आता है और बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो उसका हमें यहीं से ही ध्यान रखना पड़ेगा। हम यही करेंगे कि नाइन्थ से ही उसका वो कॉन्फिडेंस, फिर नाइन्थ में स्टार्ट हुआ तो बूस्ट अप ही होता जाए, वो डाउन ना जाए बच्चा, तो बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही मैम। तो मतलब मैं भी अपने पुराने दिन याद कर पा रहा हूँ जहाँ पर ऐसा कहते थे कि भाई मतलब अब तुम्हारी असली पढ़ाई चालू हुई, ठीक है? तो मतलब मुझे अच्छे से याद है कि बचपन में पेरेंट्स ने बोला जैसे कि तुम नाइन्थ में आए हो, अब तुम्हारी पढ़ाई स्टार्ट हुई, अभी तक तुम कुछ कर ही नहीं रहे थे, अभी तक तो जस्ट मतलब चल रहा था, आप रिलैक्स थे, ठीक है? तो इसी के ऊपर मैम आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि मतलब कैसे जब आप 8th से 9th में मूव करे थे, बहुत पुरानी बातें हैं बट हमें थोड़ी थोड़ी बच्चों को उस चीजों को याद दिलाना पड़ेगा कि 8th से 9th में आपको क्या एक्सपीरियंस रहा था मैम ट्रांजिशन में। तो मेरे पास एक बहुत ही फनी स्टोरी है कि मतलब जब मैंने 8th से 9th में ट्रांजिशन किया था ना, तो 8th तक तो बिल्कुल मस्ती खोर और चिल मारते थे और जितने मार्क्स आ गए ठीक है जी, पेरेंट्स सिर्फ इतना पूछते थे बेटा कितने नंबर आए, तो बस ठीक है ना? तो जैसे ही 9th में ट्रांसफर हुए ना, तो एकदम से पूरा लाइक सीन ही चेंज हो गया। लाइक मेरे फादर हैं फिजिक्स के लेक्चरर, तब फिजिक्स लेक्चरर थे, तो उन्होंने क्या किया, बेटा अब तो 9th में हो गई है, ये बहुत ही क्रूशियल क्लास है, आ जा बाहर। तो वो मुझे ले गए उठा के, सुबह सुबह उठा के गार्डन में ले गए, तो वहां पे बिठाया, कहते आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। तो जो शुरू हुए पापा मुझे इनर्शिया पढ़ाना, अमरूद के पेड़ के नीचे बिठाया था, पेड़ को हिला हिला के, बेटा ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि यार नाइन्थ सच में इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब पापा इतना सीरियसली ले रहे हैं। चलो वो एक्चुअली साइंस बैकग्राउंड का थोड़ा सा फर्क पड़ता है, टीचर्स के बच्चों का थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो ये चीज मैंने जाके प्लस वन प्लस टू में रियलाइज करी कि हाँ मतलब सही टाइम पे स्टार्ट लेने का नतीजा भी बहुत सही मिला मुझे। ट्वेल्थ में जाके मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दिया, उसके बाद इलेवेंथ में भी मैंने स्कूल टॉप किया था। तो मतलब वो पापा की बदौलत ही था कि उन्होंने नाइन्थ में ही पकड़ लिया मुझे एकदम से कि आजा बेटा अब तो पढ़ेंगे, अब नहीं छोड़ने वाला तुझे। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि बच्चों को नाइन्थ से ही हमें पकड़ लेना चाहिए, जो कि इस चैनल का मोटिव है। नाइन्थ में पकड़ लेंगे तो आगे जाके प्लस टू तक एकदम टेंशन फ्री होके पढ़ेंगे और अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। तो दैट्स द होल पॉइंट। बहुत सही मैम। देखो मेरा तो, मैं बहुत साफ साफ बता देता हूँ, मेरा तो क्या था मैम, सिर्फ एक ही चीज थी, चाहे 6th हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, मुझे बस ये रहता था कि मैंने कितनी 50 स्कोर करी है अभी तक, कितने 50 रन मारे हैं, क्रिकेट के अलावा कोई जिंदगी थी नहीं। इवेंचुअली 10th तक भी मैं ये चीज सोचता था, बट लेटर यस मैं इस बात को बोलूंगा, मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा बच्चों रियलाइज किया कि ठीक है, बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर कोई बात नहीं, इवेंचुअली आप आईआईटी में सेलेक्ट हो गए, ठीक है? बट द थिंग इज मैं आज तक ये चीज फील करता हूँ, अगर मैंने अर्ली स्टार्ट ली होती, 9th को मैंने ध्यान से पढ़ा होता, ठीक है, मेरे दिमाग में तो मैम कैसी चीजें चलती थी मैं बताता हूँ। देखो मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये मैथ्स की बुक जो है ये तो थी सही एनसीईआरटी, ये आरडी शर्मा क्यों कह रहे हैं करने को, ये इतनी मोटी कैसे हो गई, ठीक है? तो मैं तो वही कर रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि बेटा अब साइंस नहीं है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट साइंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मैंने बोला ऐसा भी होता है, एनसीईआरटी में तो एक ही बुक दिख रही थी, बट उन्होंने पकड़ा दी लाके ये एक रिफ्रेशर, ये एक रिफ्रेशर, ये एक मुझे लगी हुई थी जैसे ही फिजिक्स की बुक खोली, मुझे लगा कि ये मैथ्स तो नहीं है। तो वो जो ट्रांजिशन था ना 8th से 9th वाला, मैं बहुत ज्यादा ऐसा हो गया था कि मतलब इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? बट अगर मुझे जो लगता है इसके अंदर, अगर प्रॉपर मेंटर्स जैसे हमें जस्ट 9th में मिल रहे हैं, और एजुकेशन को अगर हम इस तरह से बना देते हैं कि बच्चों के लिए वो इजी हो जाए, उनको फन वे में सिखा दे, तो यार ये मोटी मोटी जो बुक्स है ना, ये भी सारी चीजें अपनी कवर करवा सकती है, हमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बना सकती है, ठीक है? तो ये मेरा मैम इस पर टेक अवे है
कि इस तरह से जाना चाहिए। इवन इस चैनल पे भी लाइक मैं बहुत सारे प्लान से आई हूँ कि नाइन्थ के बच्चे जो ये करते हैं मैम आरएस के क्वेश्चंस करा दो, आरडी के क्वेश्चंस करा दो, आरडी के मुश्किल क्वेश्चंस है मैम, आरएस के मुश्किल क्वेश्चंस है, तो मुझे उनको ये बताना है कि बेटा कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। तो हम इतनी सीरीज करेंगे इस चैनल पे, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगी कि ये आरडी शर्मा क्या आरएस अग्रवाल के सारे क्वेश्चंस आपको एकदम हलवा लगने लगेंगे, बहुत आसान लगेंगे, सब करेंगे एकदम, टेंथ आपके लिए स्मूथ ट्रांजिशन हो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो सारी टेंशन अपनी नाइन्थ वाले बच्चे हमें दे दो, हम सभी एजुकेटर्स को दे दो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो अब आप। हमें पूरा भरोसा है क्योंकि जैसे मैंने भी मैथ्स के जो वीडियो देखे हैं सुपर मजा आ जाता है मैम देख के। तो मतलब अब बच्चों मैथ्स के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अनअकैडमी इज देयर विद जस्ट नाइन। तो दोबारा बोल रहा हूँ, अगर अभी तक शेयर नहीं किया है लोगों से, ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को जस्ट नाइन को, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे अभी मेरे दिमाग में आई, आजकल के अभी थोड़े टाइम पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसके ऊपर लोग बात करते रहते हैं। जैसा हमने सुना है, जैसा हमने जाना है कि बाहर की कंट्रीज में क्या होता है मैम कि मेजर्स एंड माइनर्स वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो छोटी क्लास से आ जाता है, ठीक है, हमारे में फिर भी हम वेट कर रहे होते हैं कि बच्चे को इलेवेंथ में जाने दो, ठीक है। तो थोड़ा इसके ऊपर बच्चे को चर्चा करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को कि कैसे नाइन्थ एंड टेंथ में एक्सप्लोर करने से हमें हमारे करियर सिलेक्शन में, करियर चूज करने में फायदा हो सकता है। मैम इसके बारे में कुछ बताएं। सर बिल्कुल सही बोला आपने, जैसे अगर हम कंपेयर करें वहां पे नाइन्थ को बहुत सीरियसली लिया जाता है फॉरेन कंट्रीज में, तो मेजर माइनर का मतलब यही होता है कि नाइन्थ से, जैसे हमारा यहाँ पे होता है इलेवेंथ में हम डिसाइड करेंगे मुझे साइंस लेना है मुझे कॉमर्स लेना है, राइट। वहां पे क्या करते हैं, दो साल पहले ही बच्चा अपना माइंड को प्रिपेयर करने लगता है कि मुझे कहाँ पे जाना है, कौन से फील्ड में जाना है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर भी वैसे तो जो एजुकेशन पॉलिसी आ रही है वो ये इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है किसी हद तक, तो मतलब बच्चों को क्या करना चाहिए कि नाइन्थ से ही एक सब्जेक्ट्स को इस तरीके से एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर बच्चे तभी कर पाएंगे अगर उनको उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा, उस हिसाब से उस सब्जेक्ट को सीखेंगे। तो इस चैनल पे अगर हम बात करें तो बच्चों को हर सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, तो वो सोच सकता है कि यार मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या उसमें। और अब तो सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से पुलिंग भी होने लगी है सब्जेक्ट्स की, फॉर एग्जांपल अगर बच्चा फिजिक्स के साथ कुछ सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट लेना चाहता है तो वो उस पूल में सिलेक्ट कर सकता है, तो दिस इज अ बिग थिंग। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चल सकता है। तो मैं चाहती हूँ बच्चों की नाइन्थ से ही डिसाइड करना स्टार्ट कर दो कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में बन रहा है, एंड देन गो फॉर दैट सब्जेक्ट इन 11th क्लास, ताकि आगे ग्रेजुएशन में ये रिग्रेट ना हो कि काश मैंने वो ले लिया होता, ये मैंने क्या कर लिया अपनी जिंदगी के साथ, है ना। तो ये चीजें हमें पहले ही डिसाइड करनी चाहिए। करेक्ट। सो इवेंचुअली मैम जो मैं आपकी बात का क्रक्स समझ पाया हूँ कि बच्चों यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही टाइम पे चीजों को एक्सप्लोर करो, ठीक है, बिकॉज एक्सप्लोर करने की पॉसिबिलिटी बार बार नहीं मिलती है। जैसे इमेजिन करो आपने 11th में जो है चूज कर लिया पीसीएम, ठीक है, फिर 11th पूरी पढ़ ली, फिर 12th में जाके आपने बोला नहीं मुझे कॉमर्स लेना है, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बिकॉज आप थोड़ा लेट हो चुके हैं उसके अंदर। तो सही टाइम पे सही चीज एक्सप्लोर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अपने इयर्स हैं हमें यहाँ मस्ती भी करना है, खेलना भी है, कूदना भी है, बट उतना ही इंपॉर्टेंस हमारी पढ़ाई को देना है जहां हम ये समझ सके कि हमारे लिए क्या चीज बेस्ट रहने वाली है। तो इसके अंदर जो है मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट नाइन्थ जो है आपका पूरा साथी पूरा सहारा होने वाला है, बिकॉज आपको इतने फन में के अंदर हम सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाले हैं कि आपको अपने आप पता चल जाएगा नहीं ये मेरा कप ऑफ टी है, ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है, ठीक है। तो गाइज इसके लिए इस इनिशिएटिव के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, एंड ट्रेलर में जितना मजा आया था उससे 10 गुना मजा, उससे 100 गुना मजा जो है अब और आगे आने वाला है, एंड इसके लिए हम दोनों मिलकर एक साथ बोलेंगे मैम क्या करना है, शेयर आगे इस चैनल को क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके ओके, थैंक यू मैम, आपसे जो है बात करके बहुत मजा आया, हमने इस चैनल के बारे में समझा। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त पढ़ाई करो, एंजॉय करो एंड रिलैक्स रहो, दैट्स इट। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बच्चा, मिलते हैं चैनल पे, बाय बाय बाय।